गंगू नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान पर उठाए सवाल, बोले वर्ग विशेष की दुकानदारों को बनाया जा रहा है निशाना। सहारनपुर गंगों में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर पूर्व चेयरमैन व बसपा नेता नोमान मसूद ने उठाए सवाल, बोले नोमान शासन द्वारा एक वर्ग विशेष के लोगों व गरीब रेड़ी वालों को निशाना बनाते हुए अतिक्रमण में बाधक बताया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या गरीब रेड़ी वाला और सड़क किनारे खोमचा लगाने वाला व्यापारी नहीं है या शासन की नजर में बड़े शोरूम वाला ही व्यापारी है। नोमान मसूद ने शिव चौक के स्थायी अतिक्रमण पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि वह कब हटाया जाएगा। नोमान मसूद ने कहा कि गरीब वर्ग के लोगों के साथ अतिक्रमण हटाओ के नाम पर हो रहे भेदभाव का वह लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे और यदि जरूरत हुई तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अभियान चले, शासन की नीति के अनुसार चले, समझ में आता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के कहने पर अभियान को मोड़ा जाए और वर्ग विशेष के लोगों के साथ जाती हो, ये नाकाबिले बता है। कल भी अभियान चलाने के नाम पे वर्ग विशेष के लोगों के छोटे रूप व्यापारी हो गए, गरीब लोगों के, मैंने उस दिन भी थाने में कहा था कि क्या ठेली पर खड़ोने वाला या खोमचा लगाने वाला पान का खोखा लगाने वाला व्यापारी नहीं है, ये बड़े शोरूम वाले व्यापारी हैं, उन्हीं को पर बुलडोजर कर जाए। और ये एडीएम साहिबा ने मुझसे कहा था कि जहाँ तक नाले हैं नालों को क्लियर करा दिया जाए, हम चुप रहे। आज नाले से पीछे जो लोग खड़े हैं उनको भी हटाने के लिए कहा जा रहा है और खास तौर से एक वर्ग विशेष के लोगों को कहा जा रहा है, ये ठीक है। कुछ पत्रावली हैं, बुलट बाबा के मंदिर के सामने खोखा रख लिया गया, प्रधानमंत्री जी से शिकायत हुई है, कमिश्नर साहब के यहाँ से रिमाइंडर मांगा जा रहा है, वो नहीं हटेगा, वो दिखता नहीं। शिव चौक के ऊपर, बीच चौक के ऊपर सरकारी जमीन पर खड़े के नाम से एग्रीमेंट करके दुकान बनाने गई और एक एग्रीमेंट उठाए घूमते हैं। अरे जब आप हटा रहे सबको हटाओ क्लियर कर दो, हम क्या मना कर रहे हैं, उसे नहीं देखा जाएगा। और देखने के लिए सिर्फ एक है कि ये चीज़ ठीक है, हम इसका विरोध करेंगे, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, कानूनी तरीके से करेंगे, अदालतों में जाकर विरोध करेंगे, शासन में विरोध करेंगे, गरीब लोगों के रोजगार पर हाथ नहीं आते। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।